हेलो व्यूवर्स, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लस ड्राइव में। मेरा नाम ध्रुव है। तो इस वीडियो में हम यहां पे अल्काज़ार के बारे में बात करेंगे। ये इसका प्लैटिनम वेरिएंट है जो कि ऑप्शनल है, और ये 6 सीटर 1.5 डीजल में है। अब यहां पे इस वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा, प्लस कंपेरिजन करेंगे कुछ कुछ चीज़ों को लेकर इन कंपेरिजन टू महिंद्रा XUV 700 जो अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आपको एंड ऑफ द वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप कंफ्यूज्ड हो इन दोनों गाड़ियों के बीच में। सो मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताते जाऊंगा। चाबी से स्टार्ट करें तो लॉक एंड अनलॉक बटन आपको यहां मिल जाएगा। यहां पे इंजन स्टार्ट का होल्ड बटन भी है, प्लस बूट रिलीज के लिए बटन। दोनों ही स्मार्ट की आपको मिल जाती है सैंड फिनिश एंड एल्यूमिनियम फिनिश के साथ। पीछे आपका ह्यूंडई का लोगो आ जाता है। बात करें फ्रंट से तो यस, काफ़ी बोल सकते हैं 80% आपका ये क्रेटा ही है, बट ये एक सिक्स सीटर या तो 7 सीटर लेआउट में गाड़ी की लेंथ बढ़ा दी गई है, ये हम सभी को पता है। तो अब बात करें अगर इसके हेडलैम्प से अगर मैं स्टार्ट करूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको DRLs मिल जाती है यहां पे, एंड आपको पूरा LED हेडलैम्प का सेटअप आपको यहां पे मिल जाएगा। हालांकि अगर मैं इनकी थ्रो की बात करूँ तो ये ऑन अ डिसेंट साइड है, बट XUV 700 में आपको ऑटो बूस्ट मिल जाता है जो काफ़ी कमाल का है। यहाँ पे क्रोम स्टडेड आपको ग्रिल मिल जाती है, बड़ी कैस्केडिंग ग्रिल। अब ये यहाँ तक हेडलैम्प तक कंटिन्यू होती है, क्रेटा में वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे ह्यूंडई का लोगो है क्रोम में। 360 डिग्री कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसके मिड वेरिएंट में, और वहीं पे आपको XUV 700 में टॉप एंड वेरिएंट मिल जाता है। यहाँ पे आपको नीचे LED फॉग लैंप मिल जाएंगे, प्रोजेक्टर, आपको टर्न इंडिकेटर्स, उसके अराउंड क्रोम भी था, नीचे स्लैट ग्रिल, और आपको आगे फ्रंट में स्किड प्लेट्स ऑफर की गई हैं सिल्वर में। ओके, तो ऐसा कुछ इसका लेआउट है, सेम आपको क्रेटा की ही पूरी पूरी याद दिला देता है ये। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस गाड़ी के बारे में बताऊँ, इसकी रोड प्रेजेंस काफ़ी कमाल की है, बिकॉज जो क्रोम यूज़ किया है एंड ऑल, वहीं पे XUV 700 की जो रोड प्रेजेंस है वो ज़्यादा मस्कुलर है अगर आप इससे कंपेयर करोगे। उसके शोल्डर लाइन ज़्यादा मस्कुलर्स हैं। तो यहाँ पे बात करें टायर साइज एंड स्पेसिफिकेशन, बट पहले आपको व्हील क्लैडिंग मिल जाती है गाड़ी में अक्रॉस द व्हीकल। बात करें टायर साइज एंड स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 18 इंच के व्हील अलॉय व्हील्स डायमंड कट के साथ। आगे सस्पेंशन भी आपको मैकफर्सन स्टार्ट विद कॉइल स्प्रिंग मिलता है। फेंडर पे ऑटो की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। ये इसके ओआर गेम्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल, टर्न इंडिकेटर के साथ LED स्ट्रिप है वो, नीचे 360 डिग्री कैमरा का ये, और पड लैम्प आपको इसमें मिल जाते हैं जो XUV 700 में नहीं मिलते, और उनमें ह्यूंडई का लोगो प्रोजेक्ट होता है। यहाँ पे रनिंग बोर्ड आप देख सकते हैं साइड में, ये ऑप्शनल वेरिएंट में आता है, मैनुअल में ये नहीं आता। ए पिलर ग्लॉस ब्लैक में मिलेगा, बी पिलर आपको मैट ब्लैक में मिल जाता है इसमें। अब यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़, ग्लॉस एंड मैट का जो कॉम्बिनेशन है। ऊपर रूफ रेल्स हैं सिल्वर में, एंड बड़ी पैनोरामिक सनरूफ। अब सनरूफ रिगार्डिंग XUV 700 में ज़्यादा स्काई रूफ बड़ी आती है, सेगमेंट में सबसे बड़ी। यहाँ पे पैसिव रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है ड्राइवर साइड पे, और यहाँ पे डार्क क्रोम का इस्तेमाल किया है डोर हैंडल बार्स पे, और वहीं पे XUV 700 में इंटीग्रेटेड डोर हैंडल बार्स हैं। यहाँ पे रेयर प्रोफाइल टायर अगेन 18 इंच का, और पीछे कपल टॉर्सन बीम एक्सल आपको सस्पेंशन सेटअप मिलता है। इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी अल्काज़ार राइड क्वालिटी देती है। यहाँ पे फ्लोटिंग रूफ का इफेक्ट है ब्लैक पियानो फिनिश में। और रिगार्डिंग राइडिंग क्वालिटी, महिंद्रा की XUV 700 ज़्यादा एक ऑन द सॉफ्टर साइड है। इंटीग्रेटेड स्पॉयलर उसी में ब्लैक पियानो फिनिश का थीम है, एंड सी पिलर में भी आपको थोड़ा बहुत ग्लॉस ब्लैक मिल जाता है। यहाँ पे इसके जो टेल लैम्प्स हैं वो ज़्यादा बेहतरीन लगते हैं, बहुत कमाल के लगते हैं, कुछ लोगों को पसंद आएंगे XUV 700 के। अल्काज़ार की ब्रांडिंग है, ह्यूंडई का लोगो, और ये रिवर्स पार्किंग कैमरा। अल्काज़ार की जो ब्रांडिंग है क्रोम स्ट्रिप पे, वो एंडेवर की याद दिलाती है। रेड ईफॉगर्स, हाई स्टॉप माउंट लैम्प, रेयर वॉशर उसी में, और नीचे आपने रेयर वॉशिंग वाइपर भी देखा है, तो काफ़ी कमाल का है। यहाँ पे हर एक फीचर है, लोडेड है एज मिड स्पेक वेरिएंट की अगर मैं बात कर लेते हैं यहाँ पे। देन नीचे आपको पार्किंग रिक्वेस्ट सेंसर्स, सॉरी आपको पार्किंग सेंसर्स पीछे मिल जाते हैं यहाँ पे 4, वहीं पे XUV 700 में आपको सिर्फ 2 मिलते हैं, प्लस इसमें 4 मिल रहे हैं, प्लस आपको मिल जाते हैं 360 डिग्री कैमरा। पीछे सिल्वर में स्किड प्लेट्स आपको मिल जाएगी, और ड्यूल टिप एग्जॉस्ट यहाँ पे मिल जाता है जो कि XUV 700 में नहीं आता। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसमें स्पेयर व्हील जो कि स्टेनलेस स्टील व्हील है, इसकी ओपनिंग अंदर से ही है। देन अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी में जो बूट स्पेस आपको मिल जाता है। सो तीनों रो अगर ऊपर हैं तो आपको 180 लीटर्स का मिलता है ऊपर ग्रैब हैंडल बार। प्लास्टिक की इंसुलेशन आप देख सकते हैं, एंड ये थर्ड रो कुछ ऐसी है यहाँ पे, एंड ये कैप्टन सीट्स है, ऑब्वियसली 6 सीटर वेरिएंट है।
तो 180 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि XUV 700 से ज़्यादा है। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाएगी बूट एक्सेस के लिए, एंड बोस का स्पीकर सिस्टम इसमें आता है गाड़ी में। XUV 700 में आपको सोनी का मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें आपको इसका स्पेयर व्हील, नीचे थोड़ा स्टोरेज भी आपको मिल जाता है, आपकी टूल किट मिल जाती है, एंड थोड़ा स्टोरेज उसी के साइड में आपको मिल जाता है। तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिया गया है। ये अंडर स्टोरेज आपको उस गाड़ी में नहीं मिलता XUV 700 में। यहाँ पे आपको एक स्ट्रैप मिल जाता है इन केस अगर आपको थर्ड रो को गिराना है, उसको इंक्रीज़ करना है बूट स्पेस, तो यस डेफिनेटली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है ये, तो आपका बूट इंक्रीजिंग कैपेसिटी हो जाती है। अच्छा खासा सामान आप इसमें डेफिनेटली लोड कर सकते हैं। आपको हुक्स भी मिल जाते हैं ताकि आप स्ट्रैप ये अच्छे से बांध पाएँ सामान पे। तो ये था रिगार्डिंग द बूट स्पेस। अब यहाँ पे साइड में अगर आके मैं बात करूँ तो आपको इस गाड़ी में 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, एंड ये कुछ ऐसा यहाँ पे अदर देन दैट बिल्कुल सेम है ऑन दी बोथ द साइड। सिर्फ एक पार्किंग रिक्वेस्ट सेंसर का फ़र्क है डोर हैंडल में। अब इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो ऑन द कॉस्टलियर साइड है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं पूरी ऑन रोड प्राइस ब्रेक के साथ। श्राय ह्यूंडई का धन्यवाद करूंगा, नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज आपकी स्क्रीन पे हैं। प्लीज़ इनसे कांटेक्ट कीजिए, कोई भी ऑफर्स या बेनिफिट्स ह्यूंडई की कोई भी गाड़ी पर आपको अपने आप पता चल जाएंगे। XUV 700 ने एक बहुत ही कमाल की चीज़ की है कि सेगमेंट को हिला के रख दिया है भाई। इतनी अच्छी प्राइसिंग उन लोगों ने दी है, बट पता नहीं डिमांड की वजह से कब कौन सा वेरिएंट डिसकंटिन्यू हो जाए, जो थार में या आपने पुरानी वाली XUV में भी देखा होगा ये चीज़ उन लोगों ने की थी, इवन XUV 300 में। तो पता नहीं कब तक वो वेरिएंट्स रहें, क्योंकि डिमांड बढ़ जाता है तो वो लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं। ऑन दी अदर साइड ये अल्काज़ार की प्राइसिंग आप पूरी देख चुके हैं, नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हैं, कर लेना भाई कॉन्टैक्ट। इस गाड़ी की कुछ फीचर्स के बारे में बात की जाए, सेफ्टी रिगार्डिंग एनकैप रेटिंग अभी तक टेस्टेड नहीं हुई है। 6 एयरबैग्स आते हैं, वहीं पर आपको XUV 700 में 7 एयरबैग्स मिलते हैं, बिकॉज उसमें नी ड्राइवर नी एयरबैग भी मिल जाता है। TPMS चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स और सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाती है। यहाँ पे अगर बात करें अब इसके इंटीरियर के बारे में, तो आपको यस इसमें रेड कलर का कुछ बोल सकते, ऑगनैक ब्राउन कलर बोलते हैं इसको, लेदर फिनिश आपको डोर हैंडल पे मिल जाता है, एंड ये सारे कुछ सिल्वर इंसर्ट के ट्रीटमेंट्स हैं डोर हैंडल बार और फ्रेम्स पे। यहाँ पे RVM के कंट्रोल्स हैं, एंड ये चीज़ आप लॉक एंड अनलॉक बटन्स आप देख सकते हैं सारे, ये प्लास्टिक में, बट ऑन दी XUV 700 आपको थोड़ा ग्लॉस में मिल जाता है, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। सॉरी गाइस, XUV 700 का अभी तक रिव्यू नहीं किया है, बट जल्दी लाऊंगा। यहाँ पे ड्राइवर साइड वन टच अप एंड वन टच डाउन आपको मिल जाता है, एंड ड्राइवर साइड पे आपको एंटी पिंच विंडो मिल जाएगी। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो एंटी पिंच विंडो ऑन द ड्राइवर साइड, बिकॉज इसी में वन टच अप वन टच डाउन मिलता है। विंडो एंटी पिंच के बाद 40% रह जाती है। यहाँ पे स्कफ प्लेटिंग आप देख सकते हैं प्रॉपर इस गाड़ी में दी है। अगनाक ब्राउन कलर का लेदर आपको यहाँ में मिल जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टेबल यहाँ पे आपको मिल जाती है, जो कि XUV 700 पे डोर ट्रिम पे ही आपको दी जाती है। एंड ऑल्सो ये ड्राइवर वाली सीट 8-way मैनुअली एडजस्टेबल आपको मिलती है। इसके बाजू वाली पैसेंजर सीट 6-way मैनुअली एडजस्टेबल है। मिडल रो भी 6-way मैनुअली एडजस्टेबल है, और लास्ट वाली रो 4-way मैनुअली एडजस्टेबल है। तो ऐसा कुछ पूरा हिसाब है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दिया गया है। बीच में कैप्टन सीट्स काफ़ी लग्जरी को डिफाइन करती हैं। अब अगर मैं क्वालिटी इन टर्म्स की बात करूँ ना, इसकी फिट एंड फिनिश इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। जो क्वालिटी मटेरियल्स यहाँ पे दिए हैं, आपको थोड़ा प्रीमियम फील होगा, वहीं पे थोड़ा फिट एंड फिनिश का इशू है उस गाड़ी में XUV 700 में। जेन्युइनली मैं कुछ ऐसे बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, बट सेफ्टी वाइज वो गाड़ी ऑब्वियसली ज़्यादा सेफ है। महिंद्रा की गाड़ियाँ कितनी सेफ होती हैं हम सबको पता है। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ, 4-spoke स्टेयरिंग व्हील है, सिल्वर इंसर्ट ट्रीटमेंट और ब्लैक पियानो फिनिश की ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल एंड MID के कंट्रोल्स हैं राइट में, लेफ्ट में इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं। ऐसा कुछ इसका हॉर्न था, ह्यूंडई का लोगो बीच में है। अब यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके ये गियर शिफ्टर्स, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स हैं, और राइट साइड में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प से और टर्न इंडिकेटर से जुड़े हुए कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। स्टेयरिंग व्हील टेलीस्कोपिक है, एडजस्टेबल फॉर बोथ रेक एंड रीच, ये चीज़ काफ़ी कमाल की है। बात कर लेते हैं इसकी, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, फुली डिजिटल है और काफ़ी कमाल का दिखता है। यहाँ पे आप इसके थीम्स भी चेंज कर सकते हैं। अब ये कुछ ऐसा थीम आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, काफ़ी अच्छा, और ये थोड़ा बहुत रोल्स रॉयस जैसा काइंड ऑफ लगता है। बट XUV 700 में
बहुत ही एक कमाल की चीज़ है उसका जो वन यूनिट है इंफोटेनमेंट और ये चीज़ का। तो ये कुछ थीम है, थीम बी थीम सी आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप इको कंफर्ट एंड स्पोर्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। स्पोर्ट मोड काफ़ी अच्छा लगता है, रेड कलर का कुछ है शानदार सा, देखिए अगर आप देख पा रहे हैं इसमें। और अगर मैं बात करूँ इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो इसमें आपको एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी क्लॉक, लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर, ब्राइटनेस, गियर इंडिकेटर एंड आपको टैकोमीटर फुल डिजिटल, यहाँ पे पूरा डिजिटल है जो कि काफ़ी कमाल का, TPMS एंड एवरीथिंग, यहाँ पे कंपास आप देख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। इवन ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के लिए आप जैसे ही टर्न इंडिकेटर देंगे आपका वो चीज़ यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाएगा। सेम चीज़ XUV700 में आती है, बट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी XUV700 ज़्यादा एडवांस्ड है, उसमें एडास एंड ऑल सभी कुछ आपको मिल रहा है बट कम प्राइजिंग में, जो कि कमाल की चीज़ है। AC के जो वेंट्स हैं सेम क्रेटा से ही इंस्पायर्ड हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इंजन स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ और हेडलाइट लेवलर के सारे मैकेनिज्म। इसमें एम्बियंट लाइटिंग आती है जो चीज़ आपको वहाँ पे नहीं मिलती XUV700 में, प्लस बोस का म्यूजिक सिस्टम, ये इसका इंफोटेनमेंट है जो कि सेम क्रेटा से आया है। हार्ड प्लास्टिक ऑन दी अदर साइड अच्छा है, गुड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश के रिगार्डिंग मैं इशू बता रहा था, बाकी क्वालिटी सेम है, हार्ड प्लास्टिक वहाँ भी मिलता है। इसमें बोस का म्यूजिक सिस्टम है, ट्विटर्स यहाँ मिल जाएंगे, बट उस गाड़ी में सोनी का म्यूजिक सिस्टम है और ऐसे सुनने में आया है कि उसका कम नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का म्यूजिक सिस्टम है यहाँ पे। एसी वैन सेम इंटीरियर इसका वही 80% क्रेटा से ही इंस्पायर्ड है, बहुत ही मिनिमल चेंजेस हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इंफोटेनमेंट का। इस पे और एक वीडियो बना चुका हूँ कैसा इसमें आवाज़ आता है, उस बोस के म्यूजिक सिस्टम स्पीकर्स कैसे बजते हैं, वो वीडियो देखो, यहाँ बताने जाऊँगा बहुत लंबा हो जाएगा, प्लीज़ उसकी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा इंफोटेनमेंट के हर एक फीचर्स और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का सारे फीचर्स मैं समझा चुका हूँ, प्लीज़ चेकआउट करना। अगर आपको थीम चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हो, देखिए कलर आप एम्बिएंट लाइटिंग पहले तो यहाँ से चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग चाहिए 60 कुछ कलर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एम्बिएंट लाइटिंग में, जो काफ़ी कमाल का दिखता है, प्लस ब्लू लिंक भी आता है, तो आप यहाँ से कोई कलर ग्रेडियंट चूज़ करना चाहते हो वो चीज़ आप कर सकते हो, यहाँ भी दिखाएगा एज वेल एज स्क्रीन में भी साइड में दिखा रहा है कौन सा कलर आपने लगाया है, तो रेड कलर काफ़ी अच्छा लगता है ऑगनाक ब्राउन के साथ, तो ये चीज़ है यहाँ पे गाइस। एंड इसका जो फीडबैक है इंफोटेनमेंट का स्मूथ है, कोई इशू नहीं है, अच्छा स्मूथ है, लैग वैग ऐसे कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा लोडेड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके 360 डिग्री कैमरा की, वो भी काफ़ी अच्छा है, लोडेड है, इसमें फीचर्स अगर आप देख सकते हैं, ये फ्रंट कैमरा का व्यू आपको दिखा रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक बर्ड आई व्यू मिल जाएगा, यहाँ पे दोनों के पीछे रेयर टायर्स का आपको मिल जाता है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको आगे के टायर्स का ब्लाइंड व्यू मॉनिटर मिल जाता है, तो जो कि काफ़ी मदद करता है इन टर्म्स ऑफ टाइट स्पेस, जो पार्किंग होती है आपकी बहुत हेल्प मिल जाती है। ये रिवर्स पार्किंग कैमरा और कैमरा की क्वालिटी अच्छी है, कहा गया है कि इससे अच्छी कैमरा क्वालिटी आपको XUV700 में मिल जाती है और आप यहाँ से ब्राइटनेस एंड एवरीथिंग कर सकते हैं। यहाँ से कुछ सेटिंग्स हैं, नॉर्मल जूम इन, 360 व्यू मोड, आपका फ्रंट व्यू मोड डिफ़ॉल्ट क्या रहना चाहिए, रेयर व्यू डिफ़ॉल्ट व्यू क्या रहना चाहिए, आप वो आप हर चीज़ सेटिंग्स में कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें नीचे बटन्स भी दिए हैं मैनुअली अगर आपको करना है तो। AC की बात करें तो फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ मिल जाता है, बट XUV700 में कम प्राइसिंग में आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। क्रेटा और इसमें ये फ़र्क है कि इसमें एक रेयर का स्विच यहाँ आ गया है, बिकॉज रेयर AC वेंट्स आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, और पूरा जो पैनल है ये सेंटर कंसोल का ब्लैक पियानो फिनिश ट्रीटमेंट में, जस्ट लाइक XUV700। 12V का चार्जिंग सॉकेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, USB पोर्ट फॉर एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले सेंटर में है, और राइट साइड में आपका फास्ट चार्जिंग USB पोर्ट जो कि इल्यूमिनेटेड है, दोनों USB पोर्ट्स। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी मिल जाती है जो कि काफ़ी कमाल की है। बात करें अगर गियर नॉब की तो यस, बहुत ही अच्छा लगता है इसका ये जो गियर नॉब है, बहुत ही ऑन अ सीरियस नोट XUV700 के गियर नॉब से ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे ड्राइव एंड ट्रैक्शन है, जैसे ही आप इसे चूज़ करेंगे यहाँ से आप अपना थीम भी चेंज हो जाएगा, आप अपना मोड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो होल्ड का यहाँ पे आपको मिल जाता है ये इलेक्ट्रिक ब्रेक, देन आपका ये व्यू मॉनिटर है जो 360 डिग्री कैमरा देगा, नीचे लेदर ऑफ ऑलस्ट्री मिल जाएगी गियर नॉब पे जो प्रीमियम लगती है, उसके अराउंड सिल्वर इंसर्ट की फ्रेम है, 2 कप होल्डर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, बट कप होल्डर्स का साइज़ छोटा है XUV700 में, थोड़ा बड़ा आ जाता है, यूटिलिटी के हिसाब से वो गाड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली दिखती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एयर स्मार्ट एयर प्योरीफायर
जो पीछे भी इंडिकेशन देता है आप वो बंद कर सकते हैं इंफोटेनमेंट से, वो लाइट सब कुछ। यहाँ से आप अपना देख सकते हैं इसका कंपार्टमेंट जो कि थोड़ा अच्छा साइज़ का है। ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट इसका बड़ा है, कूल ग्लव बॉक्स है, XUV 700 से बड़ा ग्लव बॉक्स है। यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाएगा बट नो वैनिटी लाइट, ऊपर LED में आपको लाइट्स मिल जाती हैं एंड काफ़ी अच्छी उनका थ्रो है, सेम वो चीज़ XUV 700 में भी अच्छी है। देन ये इसकी यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ है जो कि मैसिव है। इसकी कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ ना, इसकी विड्थ कंपैरेटिवली XUV 700 से ज़्यादा है बट इसकी लेंथ कम है, उसकी ज़्यादा बड़ी है अगर आप बोलते हैं उसको, स्काई रूफ बोलते हैं XUV 700 में। और यहाँ पे आपको एंटी पिंच मिल जाती है सनरूफ, सेम XUV 700 में भी आपको मिल जाती है ये चीज़, तो आपको ज़्यादा मज़ा है ना उसके थ्रू आएगा, उसकी सनरूफ में, बिकॉज़ वो ज़्यादा वाइड है तो आपका जो रूमी सा फील होता है ना कैबिन में, जो आपका ज़्यादा स्पेशियस वो उधर फील होगा। यहाँ पे देखिए ब्लू लिंक SOS और आपका सर्विस का यहाँ पे स्विच आप देख सकते हैं। ब्लू लिंक के ज़रिए आप ऐप के थ्रू काफ़ी चीज़ कर सकते हैं। इवन XUV 700 में एड्रेनॉक्स है उसके थ्रू। इवन एक चीज़ अच्छी है कि उसमें इन बिल्ट आपको एलेक्सा मिल जाती है जो काफ़ी कमाल की है। सीट कम्फर्ट अच्छा है, अब मैं उस गाड़ी में नहीं बैठा हूँ इसीलिए मैं उसका नहीं बता सकता बट अच्छा है। यहाँ पे आपको सीट कंफर्ट मिल जाता है, लेदर अपहोल्स्ट्री भी काफ़ी कमाल की दिखती है। बात करें अगर कुछ इसके सेफ्टी, इवन यहाँ पे सीट में अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है, नो इशू रिगार्डिंग दैट। एंड इवन टेलीमैटिक्स में भी बहुत कुछ आप कर पाएंगे, फाइंड माई कार, चेक व्हीकल स्टेटस वाया ऐप, जियो फेंसिंग एंड ऑल सभी कुछ मिल जाता है भाई आपको। देन ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन में ABS, EBD, देन आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जैसी चीज़ें मिलती है। लॉक एंड सिक्योरिटी में इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, देन आपको स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर्स मिल जाते हैं इस गाड़ी में। तो सेफ्टी रिगार्डिंग अच्छी लोडेड है ये, इसका रेड डोर ट्रिम है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है मटेरियल्स को लेकर। ऐसा नहीं है कि पीछे वाले डोर में कुछ कम है आगे वाले डोर से, सेम एज इट इज़ है। 1 लीटर बॉटल स्टोरेज हर एक डोर पॉकेट में मिल रही है और पीछे डिसेंट डोर पॉकेट है साइज़ उसका। यहाँ पे इंटीग्रेटेड आपको ये सन ब्लाइंडर मिल जाते हैं जो कि अच्छी चीज़ है, एड ऑन है ये इस गाड़ी में। देन एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया फ्रंट से रिगार्डिंग, इसके जो सन यहाँ पे ये हैं, ये इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, सेम चीज़ आपको XUV 700 में भी मिलती है। अब ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो गई है कि आज के टाइम की गाड़ियाँ ये चीज़ देने लगी हैं, बहुत ही मदद साबित हेल्पफुल साबित होता है वो चीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे भी स्कफ प्लेटिंग दी है। अब ये कैप्टन सीट्स हैं, काफ़ी लग्जरी ऑब्वियसली फील होता है बिकॉज इसका यहाँ पे काफ़ी अच्छी कुशनिंग आपको मिल जाती है। अब वन टच टम्बल है ये, आप जिस सिंपली उसको ये करेंगे तो पूरी टम्बल अप हो जाएगी एंड इसमें कुशनिंग भी आपको मिल जाती है यहाँ पे। अब ये आगे वाली सीट जो है मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट की है, मेरी हाइट 5'8" है, तब जाके मेरे पास पीछे एक अच्छा नी रूम मिल जाता है मुझे। देखिए अगर आप देखते हैं मुझे लेग रूम काफ़ी कमाल का है, नी रूम मुझे काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट पीछे वाली सीट में थोड़ा और बेहतर हो सकता था, नी रूम आप देख चुके हैं। एंड प्लस अगर बात करें, देखिए ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है स्पेशियस, तो यस डेफिनेटली मेरे ज़्यादा हाइट का बंदा भी आराम से पीछे कंफर्टेबली बैठ पाएगा, पैर मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ पीछे वाली सीट के नीचे, अच्छा पूरा कंफर्टेबल हो जाता है, कन्वीनियंस भी। देन ये कुछ मोबाइल पॉकेट ऊपर मिल जाता है, यहाँ पे ट्रे मिल जाती है आपको आईपैड के लिए, ये कुछ लाइट वेट आप कुछ पर रख के कुछ खा सकते हैं, जिसकी जो कैपेसिटी है 3 kg की। और एक ग्लास होल्डर या बोल सकते हैं आप यहाँ पे आपको मिल जाता है, ऐसा कुछ बॉटल भी आप रख सकते हैं। तो यूटिलिटी के मामले में गैस ये चीज़ है। रिगार्डिंग अगर कुछ लग्जरी या कम्फर्ट की बात करूँ, यहाँ पे ज़्यादा आपको बेटर लगेगा, ये चीज़ वहाँ पे नहीं है बिकॉज। एंड ऑन द लोअर साइड आपको यहाँ पे कुछ सीट पॉकेट्स मिल जाती हैं, दोनों तरफ सेम लेआउट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्राइवर वाली साइड पे दिया है, तो ये चीज़ है। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं वो वाला ये ग्लास होल्डर, बट इसको ये साइड पे देते ज़्यादा बेटर होता तो ठीक है, बट कोई इशू नहीं। पीछे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया है, कोई इशू नहीं। इसमें बॉस मोड नहीं आता जो टाटा सफारी में आता है, वो आपको XUV 700 में मिलता है, इसमें नहीं मिलता। एक फास्ट चार्जिंग USB पोर्ट पीछे मिल जाएगा, इवन एक स्टोरेज फॉर मोबाइल, यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है, यस। अब ये काफ़ी अच्छा है, कैप्टन सीट्स हैं तो ये चीज़ यहाँ आपको मिल जाएगी, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है टाटा सफारी से अगर आप कंपेयर करते हो तो ऐसा कुछ है। अब XUV 700 में 6-seater लेआउट तो नहीं आता, 5-seater या तो 7-seater पीछे आपको मिल जाता है। यहाँ पे एक वायरलेस चार्जर, 2 cup holders जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है कन्वीनियंस के मामले में।
LED कैबिन लाइट्स पीछे आपको मिल जाएगी, सेम चीज़ उस गाड़ी में भी और सेम चीज़ आपको सफारी में भी मिल जाती है। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स आप देख सकते हैं फॉर द ड्राइवर एंड पैसेंजर, को ड्राइवर आप बोल सकते हैं। एंड 3D मैटिंग इसमें लगी पड़ी है जो कि एक्सेसरी का पार्ट है, वो स्टॉक में नहीं आता है। सीट का कंफर्ट अच्छा है बट एज आई टोल्ड यू थोड़ा अंडर थाई सपोर्ट और बेहतर हो सकता था। तो ये था रिगार्डिंग द सेकेंड रो, जो कि ऑब्वियसली मैं प्लस पॉइंट दूंगा इसको, कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं है। अब ये 6 सीटर है, 7 सीटर लेआउट में भी यही हिसाब है कि अल्काज़ार में 2 एडल्ट और बीच में अगर बच्चा बैठा तो ही कंफर्टेबल होगा, ये क्वेश्चन है जो कि स्टॉक में आते हैं, ऐसा नहीं है वो एक्सेसरी है। अब यहाँ पे थर्ड रो को एक्सेस करते हैं, पीछे कारपेट एरिया बहुत कम है थर्ड रो में लिटरली, बट यहाँ पे कोई ग्रैब हैंडल बार दिया है जिसको आप पकड़ के अंदर घुस सकते हैं गाड़ी में। तो इंग्रेस एंड एग्रेस में कोई इशू नहीं है, XUV 700 में ये चीज़ यहाँ नहीं है। ऊपर का आपको जो रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल बार है ना सेकेंड रो में, आपको वो पकड़ना पड़ता है, मैं आपको बाद में बताऊँगा वो चीज़। अब आगे वाली जो सीट है मैंने उसको थोड़ा आगे स्लाइड किया है तो जाके मेरे पास एक अच्छा यहाँ पे नी रूम मिल जाता है और मतलब ठीक ठाक सा। अब ये चीज़ XUV 700 में क्या है, आप मिडल रो को आगे स्लाइड नहीं कर सकते, उसमें ये फीचर नहीं है, बट यहाँ पे ये चीज़ है। और कंफर्टेबली अब मैं बैठा हूँ जाके, अगर आगे कोई शॉर्ट हाइट का बंदा बैठता है तो जाके मैं कंफर्टेबल रहूँगा, अगर मैंने इसको पूरा ही पीछे ले लिया तो मेरे पास बिल्कुल भी नी रूम नहीं बचेगा। और इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी में लास्ट रो में इतना स्पेस नहीं रहता, अब बीच में यहाँ पे मैं अपना पैर रख सकता हूँ तो जाके मैं कंफर्टेबल हूँ, वो बंदा यहाँ पे पैर रखेगा तो मैं कंफर्टेबल हूँ। अब अल्काज़ार में लास्ट रो में ज़्यादा स्पेस है अगर आप उसको XUV 700 से कंपेयर करोगे तो, ठीक है, एंड सफारी में अल्काज़ार से ज़्यादा है। तो XUV 700 में लास्ट रो में बहुत कम स्पेस है और उसमें अंडर थाई सपोर्ट वेरी पुअर है, जेनुअनली मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए मैं ये साइड आके बैठा, ये सीट पीछे मैंने स्लाइड की है, रिक्लाइन भी की है, तब जाके देखिए मैं कितना अनकंफर्टेबली बैठा हूँ। तो लास्ट रो रेकमेंडेड है कि बच्चों के लिए ही है, और थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस अगर 5'8 या 5'5 का हाइट का बंदा जाता है तो ही कंफर्टेबल रहेगा, 5'8 भी मुश्किल है। यहाँ पे USB पोर्ट्स दिए हैं, फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स और कप होल्डर और बॉटल होल्डर विद AC वेंट्स। इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट है जो कि सेम आपको XUV 700 में भी मिलता है, पर XUV 700 में आपको लास्ट रो में फास्ट चार्जिंग USB पोर्ट्स नहीं मिलते, यहाँ पे दोनों साइड में मिल रहे हैं, बड़ा ग्लास एरिया आपको मिल जाता है, यहाँ पे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। ये कि फास्ट चार्जिंग USB पोर्ट ये साइड पे भी है, वहाँ XUV 700 में टॉप मॉडल में सिर्फ एक 12V का चार्जिंग सॉकेट है, पीछे रोटरी डायल है AC का फ्लो बढ़ाने कम करने के लिए, ग्लास होल्डर कप होल्डर ये साइड पे भी है, एक कुछ सीट बेल्ट का यहाँ पे अटैचमेंट मिल जाता है आपको। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे लास्ट रो से रिगार्डिंग, एग्रेस थोड़ा मुश्किल हो सकता है इस गाड़ी में, ओके, बट हेडरूम इस गाड़ी में अच्छा है, हेडरूम उस गाड़ी में भी अच्छा है XUV 700 में अगर आप कंपेयर करते हो, बट कंफर्ट के हिसाब से लास्ट रो में आप अल्काज़ार में ज़्यादा कंफर्टेबली रह पाओगे अगर आप उसको XUV 700 से कंपेयर करते हो। अब देखिए कुछ टर्म्स में अल्काज़ार ज़्यादा फीचर लोडेड एंड ऐसे आपको मिल जाती है। अब बात करें अगर इसके इंजन एंड ट्रांसमिशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको जो इंजन एंड ट्रांसमिशन इसमें मिलता है, जैसे मैंने बताया 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन है, CRDI 113 PS एंड 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क देता है, 18 का ARAI क्लेम माइलेज है इस गाड़ी में, ये ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स है। आप देख सकते हैं XUV 700 का जो फिगर्स हैं सारी आपकी स्क्रीन पे होंगी, ये कुछ यहाँ पे आपको मिल जाती हैं इसकी, जो आपको अल्काज़ार की मिल जाती हैं, वहीं पे आपको ज़्यादा पावरफुल इंजन वहाँ मिल जाता है XUV 700 में, इवन सफारी में। सो भाई अब बात करते हैं आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। देखिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक पावरफुल इंजन है, डीजल हो या पेट्रोल हो, एंड ऑल्सो आपको सेफ्टी बहुत अच्छी चाहिए, तो यस डेफिनेटली XUV 700 में रेकमेंड करूँगा, कम प्राइस में बेहतरीन प्रोडक्ट है, कोई इशू नहीं है अगर आप उसको अल्काज़ार से कंपेयर करते हो। बट अगर आपको थोड़ी प्रीमियम अच्छी क्वालिटी और कंफर्ट के हिसाब से और ज़्यादा फीचर लोडेड यहाँ पे आपको मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, मैं सेफ्टी फीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप अल्काज़ार के लिए जा सकते हो। इवन एक सफारी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप रोड प्रेजेंस और मस्कुलर कार चाहिए एंड अच्छी क्वालिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, तो आप सफारी के लिए भी जा सकते हो। सो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप अपनी गाड़ी चूज़ कीजिएगा। सो भाइयों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसके अलावा कुछ भी सवाल हैं पूछ लो कमेंट सेक्शन में, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी लगा हो, लगा है तो लाइक ज़रूर करेगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, ऐसी वीडियोज़ में और लाता रहूँगा। बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।